हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ये वीडियो जो है काफी लोगों ने मेरे को बोला है कि मैम वीडियो बनाओ। तो बेसिकली ये है मेरी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर, कहां से मैंने स्टार्ट किया, कैसे मेरे को जो है ट्रेडिंग के बारे में पता लगा, कैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोज डाल रही हूँ, क्यों डाल रही हूँ, तो सारी चीजों के बारे में जो है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो स्टार्टिंग होती है मेरे स्कूलिंग से। स्कूलिंग कंप्लीट हुई, 12th कंप्लीट होते होते ही रिश्ते आने शुरू हो गए। रिश्ते आने शुरू हुए तो फिर हमने जो है जेएनएम स्टार्ट कर दी कि भाई जेएनएम करते हैं। जेएनएम जब मैंने स्टार्ट की तो फर्स्ट ईयर में ही मेरा रिश्ता पक्का हो गया। उसके बाद फिर लॉकडाउन की वजह से वो भी बीच में रह गया। वो तो लॉकडाउन के बीच में ही मेरी शादी कंप्लीट हो गई। तो शादी भी हो गई, पढ़ाई भी बीच में ही रुक गई। तो उसी के बीच में जब शादी हुई तो मैंने देखा कि मेरे देवर जी और मेरे जो हस्बैंड है दोनों को ही ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो मैंने जानने की कोशिश की कि बेसिकली ये ट्रेडिंग है क्या, क्या होता है। तो इसके बारे में जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, जब अलग अलग चीजों से मैंने देखा कि हाँ भाई कैसे कैसे होती है, क्या होती है, तो मुझे इंटरेस्ट बना। कैसे पैसे आते हैं वो भी घर बैठे आ रहे हैं, तो फिर मैं जेएनएम क्यों करूँ भाई, मेरे को बाहर जाने की जरूरत क्या है जब मैं घर बैठे पैसे कमा सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने जेएनएम को ड्रॉप किया और फिर मैंने जो है ट्रेडिंग में अपना इंटरेस्ट बताया अपने हस्बैंड को कि मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। उन्होंने भी सपोर्ट किया ट्रेडिंग में कि हाँ भाई है इंटरेस्ट है तो करो फिर, ठीक है। तो फिर मैंने वीडियोस देखी, बुक्स पढ़ी, सारी चीजें करी, कुछ कुछ जो है समझ में आने लगा, तो फिर वो कुछ कुछ जो है वो अप्लाई तो करना था। तो 2020 के एंड तक जो है मैंने अपनी पहली ट्रेड ली। वो किस में ली? वो भी डायरेक्ट ऑप्शंस में ली। तो बेवकूफी तो मैंने कर ली, बेवकूफी क्या की, पहली ट्रेड ली वो भी डायरेक्ट ऑप्शंस में, तो जो प्रॉफिट्स थे तो फिर वो तो अब कैसे कैसे क्या क्या हुआ तो वो भी मैं बताती हूँ। तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग की तो बेवकूफी तो कर ली कि हाँ भाई ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर ली, तो बेवकूफी को अब कैसे बताऊं कि भाई क्यों हुई, क्योंकि मेंटर कोई नहीं था कि कोई मेरे को बता सके कि भाई किस में क्या करना है। तो फिर ना किसी से सजेशन लिया, पर मेरा प्रॉफिट हुआ 700 रुपए। और जैसा कि आप लोगों का दिमाग दौड़ता है वैसे ही मेरा दिमाग भी दौड़ा। मेरा दिमाग क्या बोला कि भाई एक दिन में 700 रुपए तो 30 दिन में 21,000 रुपए, भाई भाई साहब, और वो भी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी कम नहीं है। 20 से 25 हजार रुपए कमाना बहुत ज्यादा है एक स्टूडेंट के लिए, और वो भी आप सोच सकते हैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मार्केट ने बोला अरे मैडम ऐसे कैसे, अगले ही दिन लीजिए मेरे 3,000 का लॉस हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है तब मुझे झटका लगा कि भाई लॉसेस भी बहुत ज्यादा होने हैं, प्रॉफिट तो कम हुआ। तो गलतियों की बात की जाए तो पहली जो सबसे बड़ी गलती ये थी कि भाई मेरा कोई मेंटर नहीं था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, चीजें सिखाने वाला नहीं था कि भाई तू ये गलतियां मत कर या फिर यहां से स्टार्ट कर, ठीक है। सेकंड गलती क्या थी, सेकंड गलती ये थी कि भाई मुझे बेसिकली ये ही नहीं पता था कि मुझे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है कि मुझे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। सबसे बड़ी ये गलती थी कि डायरेक्ट मैंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग की। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप जो है स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए, ताकि आपकी होल्डिंग पावर भी बढ़ेगी, प्लस आप वहां पे जो है चीजें सीख भी सकेंगे छोटे छोटे प्रॉफिट्स में ही, ठीक है। तीसरी गलती मेरी क्या थी, तीसरी गलती मेरी ये कि मैं प्रॉफिट्स जो है वो तो छोटे छोटे ले रही थी और लॉसेस जो है वो बड़े बड़े हो रहे थे, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। क्यों, तो फिर अगर आप ये देखें कि भाई प्रॉफिट छोटे लॉस बड़े, तो ऑब्वियसली एट द एंड आपको लॉस ही होना है, तो ये चीज भी पता लगी। अब जो है मेरा हुआ 1,00,000 का लॉस, 1,00,000 का लॉस हुआ, तो फिर वही हुआ कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने का, बिल्कुल भी नहीं चलने का। फिर मैंने किया वीडियोस पे ध्यान, वीडियोस देखी यूट्यूब के, सीखा उनकी क्या गलती है, बेसिकली मैं क्या गलतियां कर रही हूँ उस गलतियों से सीखा, जो दूसरे जो कर रहे हैं गलतियां उन गलतियों से सीखा, तब थोड़ा बहुत सीखने में आया कि हाँ भाई कुछ आया। तो लगभग जो है 1,75,000 करीब का जो है मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस हो गया था, तब पता लगा कि हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन और इसको जो है लॉस है उसे हम कैसे जो है रिकवर करें। तो जो रिकवरी वाली है वो मैं आपको जो बोलती हूँ कि भाई रिकवरी का अपना ध्यान मत रखिए, उस चक्कर में आपका और लॉस होगा, जो कि मेरा भी हुआ। तो मैंने जो है लॉस को छोड़ा कि भाई जो लॉस हुआ वो ठीक है, रखो उसको साइड में। मैंने ध्यान दिया स्टडीज के ऊपर, मैंने देखा कि भाई कैसे जो है मैं चीजें सीखूं, मैंने वीडियोस पे देखा, फिर मैंने देखा कि भाई वीडियोस के थ्रू जो है इतना काम नहीं चलने वाला है वीडियोस में, तो वीडियोस के थ्रू ही पता लगा कि भाई कोर्सेस भी मिलते हैं, कोर्सेस पे गई। तो अब आप लोग ये पूछेंगे मैम कोर्स किससे लिया, तो सॉरी वो मैं नहीं बताने वाली कि मैंने किससे कोर्स लिया, लेकिन फायदा तो हुआ,
कोर्स लेने से फायदा तो होता है, तो क्या क्या फायदा होता है? थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस हुआ है, आप देख सकते हैं जनाब उठ चुके हैं, लेकिन वीडियो को कंप्लीट करके ही छोड़ने वाली हूँ मैं। तो बात आती है कि भाई क्या फायदे हुए थे कोर्सेज से। कोर्सेज से बेसिकली ये हमें पहला फायदा हुआ कि भाई जो गलतियां मुझे खुद को नहीं पता लग रही थी वो मुझे सामने वाले से पता लगी कि भाई मैं गलतियां क्या कर रही हूँ, ठीक है। जो दूसरा फायदा मुझे हुआ वो ये था कि मेरी जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव हुई। साइकोलॉजी में क्या इम्प्रूव हुआ, मेरी होल्डिंग पावर बढ़ी, जो मेरे बड़े बड़े लॉसेस हो रहे थे वो मैंने स्मॉल करने सीखे कि भाई कैसे मैं जो है छोटे छोटे लॉसेस करवाऊँ और बड़े बड़े प्रॉफिट्स करूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि मार्केट में जो है आप डायरेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। जो लोग सोच के आते हैं कि हाँ भाई हम एक दो महीने में ही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, लोग एक एक लाख कमा रहे एक दिन में, हम तो कमा ही लेंगे फिर, तो सॉरी ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं 5-5 हजार लेके आते हैं मार्केट में कि हम कुछ दिनों में इन्हें 1 लाख कर लेंगे फिर अपने मौज कर लेंगे, तो सॉरी जनाब ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि मार्केट जो है लॉसेस तो करवाएगा, सबके करवाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे प्रॉफिट्स ले रहा है, मेरे को प्रॉफिट दे रहा है और आपको लॉसेस करवाया जी नहीं। लॉसेस सबके होंगे लेकिन आप लोगों को जो है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को भी, मार्केट को भी, मार्केट को सीखने के लिए भी, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आप जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर कि भाई लॉसेस तो हो गए, ठीक है भाई हमारे लॉसेस रिकवर भी स्टार्ट होने लग गए। तो तब तक मुझे हो गया था लगभग डेढ़ साल हो गया था कि भाई हाँ मैं जो है एक प्रॉफिट्स मेरे आने स्टार्ट हो गए थे, अच्छे प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो गए थे, मेरे जो लॉसेस थे वो तो रिकवर स्टार्ट होने लग गए थे। तब मैंने स्टार्ट किया अपना YouTube स्टार्ट किया बेसिकली उन गर्ल्स के लिए। मैं जो है एक इंस्पिरेशन बनना चाह रही थी कि जो गर्ल्स ये सोचती हैं कि भाई हाँ हम सिर्फ घर का काम कर सकते हैं, जी नहीं आप घर बैठे भी कमा सकती हैं, उन्हें ये बताना चाह रही थी कि आप घर बैठे भी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, घर वालों को भी ध्यान दे सकते हैं, बच्चों को भी ध्यान दे सकती हैं और आप भी जो है अपने हस्बैंड्स की तरह अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकती हैं। दूसरा मैं आप मेंटर बनना चाह रही थी बिगनर्स के लिए, जो मेंटर मैं किसी कोई मेरा नहीं था लेकिन मैं किसी का बनना चाहूंगी। और आप लोगों का सपोर्ट तो मिल ही रहा है यूट्यूब पे लेकिन कम हो रहा है, तो फिर फटाफट जाइए, वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक भी करना, वीडियोस को देखिए भी, सीखिए भी वीडियोस से, क्योंकि जो गलतियां मैंने की हैं भाई, जो अभी तक मैं करती आई हूँ या फिर जो मैं चीजें आपको सिखाती आई हूँ, आप उन्हीं से सीखेंगे, गलतियों से सीखेंगे तो आप लोगों को जो है अच्छा समझ में आएगा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप भी जरूर बन पाएंगे। अब आते हैं सवालों के ऊपर जो नॉर्मली मुझसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल जो है बेसिकली ये होता है कि मैम कैपिटल कितनी लेनी है। कैपिटल जो ली जाती है वो होती है जो स्टार्टिंग्स में लेके आते हैं, वो लेके आते हैं 1 लाख भी लेके आते हैं, 2 लाख भी लेके आते हैं। मैं स्टार्टिंग में किया था 30,000 से शुरू, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है 10,000 से 12,000 लें और अगर उससे कम हो सके तो आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि जो भी आप कैपिटल लेके आएंगे वो सारा आपका लॉस में जाना है। लेकिन आप इसे लॉस में ना समझ के आप जो है इसे इन्वेस्टमेंट समझिए कि आप जो है उसे सीख रहे हैं, आप जो गलतियां होंगी आपसे उनसे सीखेंगे, आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं सीखने के ऊपर, और फिर एंड में आपको तो प्रॉफिटेबल बनना है, तो फिर आपके पास प्रॉफिट जो है वो अपने आप आ ही जाएंगे आपके। अब जो सेकेंड क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है वो ये होता है कि मैम आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बेसिकली मैंने जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था, सिर्फ 2 फोन थे मेरे पास जिसमें एक में जो है वो भी एमआई वगैरह का ही कोई था, और अभी जो मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ एक आईपैड से और एक आईफोन से। सिर्फ मेरे को एक आईपैड जो है वो मेरे को स्क्रीन देखने के लिए चाहिए बेसिकली चार्ट्स वगैरह के लिए, और आईफोन से मैं ट्रेडिंग करती हूँ। काफी लोगों को मैंने ये देखा है कि वो 7-7, 8-8 जो है स्क्रीन्स लगाते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ एक स्क्रीन में देख के भी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अपना पीएनएल दिखाइए, तो भाई पीएनएल में पॉइंट ही बनता है कि मैं पीएनएल दिखाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं रोज जो है अपनी ट्रेड्स दिखा रही हूँ आपको, जो मेरे लॉसेस हो रहे हैं वो भी दिखा रही हूँ, जो मेरे प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो भी दिखा रही हूँ, तो पॉइंट नहीं बनता है कि भाई मैं अपने पीएनएल क्यों दिखाऊं, और आप लोगों के कहने पर तो मैं क्यों ही दिखाऊं। चौथा सवाल जो नॉर्मली मुझसे पूछा जाता है कि मैम आपने बुक्स कौन सी पढ़ी हैं। जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं और जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड वो जो है सारी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप जो है डायरेक्टली बिल्कुल फ्री में ही बुक्स पढ़ सकते हैं।
तो फटाफट जाइए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर और कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, पर्सनली मैं खुद रिप्लाई करने वाली हूँ। थैंक यू।